हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? सो आज की इस वीडियो पे गाइस मैं तुम्हें दूंगा एक कंप्लीट की मैपिंग और उसके साथ अपने कस्टम एचओडी भी बताऊंगा कहाँ पे मैंने कौन से कंट्रोल सेट किए हुए हैं और कौन सी की मैंने सेट की हुई है। अगर तुम्हारे यहाँ पर कोई भी की मैपिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देख लेना। मैंने कंप्लीट यहाँ पर की मैपिंग इस वीडियो में बताई हुई है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट अगर एंड तक देखोगे तो भाई बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर तुम्हें जानने को मिलेगा। तो एंड देखना, इस वीडियो को काफ़ी मज़ेदार है और जिन लोग की भी जॉयस्टिक प्रॉब्लम आती है, मिस्टेक होता है, एंड तक देख लेना गाइस। आगे मैंने सब कुछ बताया हुआ है और मैं इसको ब्लूस्टिक 5 पे बता रहा हूँ। अगर तुम लोग कोई भी एमुलेटर पे खेलते हो तो यहाँ पर सेम प्रोसेस रहेगी, तो तुम लोग यहाँ पर अपना ट्राई कर सकते हो अदर एमुलेटर पे भी। और तो भी चलते हैं गाइस ब्लूस्टिक 5 की स्क्रीन पे। सो गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने एमुलेटर पे। तो सेंसिटिविटी वगैरह कुछ नहीं बताना है, यहाँ पर सीधे कंट्रोल पे चलते हैं हम लोग यहाँ पर और कस्टम एचयूडी पे चलते हैं। सो गाइस यहाँ पर देखो, ये मैंने अपनी एचयूडी बनाई हुई है, कंट्रोल एचयूडी मैंने बनाई हुई है। तो प्रीसेट 1 पे, प्रीसेट 2 पे मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊंगा। तीन प्रीसेट हमको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो प्रीसेट 2 पे मैं अपनी यहाँ पर तुम्हें अभी भी इस वीडियो पे बताने वाला हूँ कौन से कंट्रोल कैसे सेट करने। तो सबसे पहले इसको रिसेट कर लेता हूँ मैं ताकि तुमको यहाँ पर ईजी हो। तो यहाँ पर देख, तो ये सब रिसेट हो चुका है। तो यह सबसे पहले काम हमको करना है कि ये जो भी आइकन हमको देखने को मिल रहे हैं, जो भी कंट्रोल्स हमको देखने को मिल रहे हैं, इनके जो इनका साइज़ है वो सबसे स्मॉल रखना है हमको, ठीक है। अगर तुम एक पीसीबी या फिर लैपटॉप पे खेल रहे हो तो इनका साइज़ भाई हमको मैटर नहीं करता है, इनका साइज़ सबसे स्मॉल रखना चाहिए हमको, क्योंकि हमको इनको टच नहीं करना होता है। ये सारे वर्क जो होते हैं हमारे कीबोर्ड से किए जाते हैं। तो इसका साइज़ तुम्हें सबसे मतलब स्मॉल रख देना है, सबसे स्मॉल भी नहीं, जितना तुम्हें ये विजिबल हो, जितना तुम्हें मतलब सही लगे स्क्रीन पे, उतना ही इनका साइज़ रखना है। और बाकी यहाँ पर इनका साइज़ वगैरह सब तुम स्मॉल रख लेना। और जो यहाँ पर गाइस देखो, ये सामान पिक करने के लिए होता है इसको, और जो रिवाइव का बटन होता है, रिवाइव का कंट्रोल होता है, इन दोनों को तुम्हें भाई एक साथ रख लेना है ताकि एक ही की से तुम दोनों काम कर सको, यहाँ पर रिवाइव भी दे सको और किसी अगर तुम्हें कोई भी ऑब्जेक्ट को पिक करना है वो भी तुम इजीली एक ही की से कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर सारी चीज़ तुम्हें छोटी कर लेनी है, इनकी ओपेसिटी वगैरह भी लो कर सकते हो। अगर मैं फटाफट से वीडियो को भाई लंबी ना हो इसलिए इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, बट तुम लोग इसको यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पर मैंने सारी कीज़ वगैरह सेट मतलब इनके कंट्रोल के साइज़ वगैरह छोटे कर लिए हैं। अभी ये जो हमारा ग्रेनेड का सेक्शन आता है इसको तुम्हें अपने राइट साइड में रखना है गाइज, ठीक है। राइट साइड में कुछ इस तरह टॉप पे रख देना है, मतलब राइट साइड पे कहीं पे भी रख सकते हो, बट लेफ्ट पे इसको मत रखना क्योंकि जॉयस्टिक की प्रॉब्लम आती है बहुत ही ज़्यादा। और इसको भी तुम लोग सब मतलब लेफ्ट राइट पे कर देना। लेफ्ट साइड पे तुम्हें भाई हो सके तो बहुत से कम मतलब कम से कम कीज़ रखनी है, इससे क्या होगा तुम्हारी जो जॉयस्टिक है वो कम स्टक होगी, तुम्हारा एम भी बहुत कम स्टक होगा। तो लेफ्ट साइड पे तुम्हें कम से कम कीज़ रखनी है गाइस, ठीक है। और बाकी जो कीज़ तुम्हें नहीं चाहिए उनको तुम यहाँ पर डिसेबल भी कर सकते हो, हाइड एंड डिसेबल का एक ऑप्शन होता है उससे तुम यहाँ पर कर सकते हो। अभी देखो ये टैब वाला ऑप्शन है, इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, मतलब जो हमारा बैग का ऑप्शन होता है, और इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे रख देता हूँ उनको, ठीक है। और अब बात करते हैं गाइस मेन जो रहती है वो यहाँ पर रहती है हमारी जॉयस्टिक की, ठीक है। तो जॉयस्टिक को तुमको कहाँ पर रखना है, उसका साइज़ सबसे पहले तो उसका साइज़ तुम्हें रखना है स्मॉल, सबसे 10 जो सबसे स्मॉल साइज़ है। उसके बाद इसको तुम्हें कुछ अपने कैरेक्टर के हेड के कुछ इस तरह रख देना है, ठीक है। हेड के यहाँ पर कुछ इस तरह इस पोजीशन पर रख देना है जैसे मैंने रखा हुआ है। यहाँ पर रखने से भाई तुम्हारी जॉयस्टिक की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, लिटरली भाई जीरो पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो बाकी गाइस जो भी तुम्हारे वेपन्स वगैरह का है यहाँ पर जो भी ये इनको सब तुम अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो, अपने हिसाब से भी रख सकते हो। और जो फायर बटन है उसका साइज़ भी तुम्हें सबसे स्मॉल रख लेना है, और बाकी ये सब चीज़ें तुम अपने हिसाब से कुछ भी रखना। बट मेन चीज़ जो थी वो थी जॉयस्टिक की पोजीशन और जॉयस्टिक का साइज़ और जो फायर बटन है वहाँ पर, और लेफ्ट साइड में तुम्हें कम से कम कीज़ रखनी है, ये बात तुम्हें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सारी कंट्रोल हमने सेट कर लिए हैं, अभी यहाँ पर चलते हैं हम यहाँ पर की मैपिंग पे मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सी कीज़ से हमको क्या रखना है, फिर कंप्लीट में तुम्हें बताता हूँ आगे। तो यहाँ पर तुम लोग को देखने को मिलता है राइट साइड पे एक कीबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है कीबोर्ड का, इस पर क्लिक करना है तुम्हें। इस पर क्लिक करोगे ना गाइस तो ये ऑप्शन यहाँ पर सामने आएगा, इसको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो सबसे पहले आना है कंट्रोल एडिटर पे, इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भाई तुम लोग देख सकते हो ये मैंने अपनी फाइल बनाई हुई है की मैपिंग की, अपनी मैंने बनाई हुई है की मैपिंग। अगर इसकी फाइल चाहिए तो भाई कमेंट कर देना, की मैपिंग फाइल करके कमेंट कर देना, मैं यहाँ पर ये इसकी फाइल तुमको प्रोवाइड कर दूंगा अपनी की मैपिंग की। और बाकी गाइस देखो यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, स्मार्ट का और एक स्टैंडर्ड का, ठीक है। अगर तुमने अपनी की मैपिंग स्मार्ट पे सेट बनाई हुई है तो भाई उसको अब भी यहाँ पर चेंज करो,
स्मार्ट पे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है तुमको यहाँ पर, जॉयस्टिक की प्रॉब्लम मेन बहुत ज़्यादा आती है, तो तुम्हें यहाँ पर इसको स्मार्ट पे करना है। स्मार्ट पे करोगे तो मैं सबसे पहले इसको रिसेट कर लेता हूँ तुमको बताने के लिए। तो स्मार्ट पे देखो यहाँ पर कुछ इतनी ही कीज़ होती हैं, लिमिटेड कीज़ होती हैं, बहुत ही कम भाई। इससे यार मतलब जॉयस्टिक की प्रॉब्लम भी नहीं आती है और कोई भी यहाँ पर एम स्टक की प्रॉब्लम नहीं होती है। अब गाइस तुम लोग यहाँ पर राइट के टॉप में देखोगे ना तो अपडेट कंट्रोल का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर तुम लोग अभी की मैपिंग अपनी सेट कर रहे हो तो सबसे पहले अपने की मैपिंग को भाई कीज़ को अपडेट कर लेना, यहाँ पर की मैपिंग को अपडेट कर लेना, कंट्रोल को अपडेट पे क्लिक करोगे तो ये अपडेट हो जाएगी कंप्लीट। मैं इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरी कीज़ की मैपिंग मैंने बनाई है अपनी वो भी यहाँ पर रिसेट हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको क्लिक नहीं कर रहा हूँ अपडेट। बाकी तुम लोग अगर अभी अपनी की मैपिंग बना रहे हो तो इसको भाई अपडेट कर लेना। सो गाइस यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अभी की मैपिंग सेट करने से पहले ये जो सारी कीज़ है इनको मैं यहाँ पर एक एक करके हटा देता हूँ, उनको दोबारा से मैं यहाँ पर रख के बताऊँगा तुम लोग को। तो उसको फटाफट से हटा देते हैं सारी कीज़ को। सो गाइस यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मैंने सारी कीज़ यहाँ पर हटा दी हैं। अभी मैंने सब स्टैंडर्ड पे कर रहा हूँ, तुम लोग भी यहाँ पर स्टैंडर्ड पे ही अपनी की मैपिंग को सेट करना। सो गाइस यहाँ पर तुम लोग राइट साइड पे देखोगे ना तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे टैप, स्पॉट या फिर रिपीटेड टैप, डी पैड, ये सब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो हमको मेन जो काम होता है वो हमको टैप स्पॉट से होता है। ये जो इस पर हमको अपनी कोई भी की को सेट कर सकते हैं, लाइक कोई भी की मैं अपने कीबोर्ड पे रखूँगा मतलब प्रेस करूँगा तो कोई भी यहाँ पर की आ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत होती है। इसको तो मैं कहीं पर टैप करके भी इसको रख सकते हो, बट इसको यहाँ पर मैं ड्रैग करके तुमको बताऊँगा। सिंपली ड्रैग करना है अपने उस आइकन पर जहाँ पर तुम्हें अपनी कीज़ को रखना है। तो नंबर वन वाले गन के लिए मैं 1 रखूँगा, नंबर 2 के लिए दूसरे वाली गन के लिए 2, और फिस्ट के लिए मैं 3, और रिलोड वाले ऑप्शन के लिए रिलोड जहाँ पर आता है उसके लिए मैं R वाली की को रखने वाला हूँ, क्योंकि ये सारी जो कीज़ हैं मेरे हैंड के मतलब काफ़ी क्लोज में है और इनको प्रेस करने में बहुत ही ईजी होता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये वाली की रखी हुई है। ठीक है, तुम भी इसको रख सकते हो, काफ़ी मतलब नॉर्मल है ये। और गाइस जो ग्रेनेड वाला ऑप्शन होता है, ग्रेनेड वाले ऑप्शन पर मैं 4 नंबर वाली की रखूँगा। और यहाँ बाकी नीचे अगर आओगे तो नीचे कुछ भी अगर तुमको कुछ भी सामान पिक करना है, जैसे गेम में अगर तुमको कोई भी वेपन वगैरह पिक करना है फटाफट से, तो इसमें तुम्हें को कौन सा रखना है, यहाँ पर रखना है फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए रखना है F को, दूसरे के लिए G और तीसरे के लिए H यहाँ पर तुमको रख लेना है। इससे क्या होगा गाइस कि जब भी तुम अपने गेम में जाओगे तो इससे फटाफट से तुमको अगर कोई भी सामान वगैरह उठाना है तो फटाफट से F G H प्रेस करोगे तो बहुत ही जल्दी तुम्हें अपने सामान को पिक कर पाओगे, तो इसलिए यहाँ पर ये वाली की मैंने रखी हुई है। ठीक है, और ये काफ़ी हैंड के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड सारा वर्क होगा, तो ये लेफ्ट हैंड के बहुत ज़्यादा क्लोज रहती हैं इसीलिए। अब गाइस देखो रिवाइव और किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक करने के लिए F की को यूज़ करना है, तो ये दोनों काम तुम्हारे एक ही की से हो जाएंगे F से। और ब्लू स्टिक का ये फीचर काफ़ी बढ़िया है कि इसमें तुम एक ही कीस को बार बार यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया फीचर है। अब गाइस देखो राइट क्लिक सॉरी तुम्हारे स्कोप के लिए तुमको हमेशा यूज़ करना है राइट क्लिक, तो इस पर राइट क्लिक करोगे इस की पे तो तुम्हारा राइट क्लिक यहाँ पर आ जाएगा। और बाकी नीचे यहाँ पर जंप के लिए तुम्हें यूज़ करना है स्पेस बार को, स्पेस क्योंकि भाई मोस्ट ऑफ दी प्लेयर यही यूज़ करते हैं और ये काफ़ी बढ़िया है। देन यहाँ पर क्राउच के लिए तुम्हें यूज़ करना है सी को, ठीक है, सी यहाँ पर क्राउच के लिए आ जाएगा तुम्हारा, जिससे तुम मतलब उठा और बैठ सकते हो जैसे मतलब। और उसके बाद यहाँ पर प्रोन के लिए आएगा तुम्हारा जेड, ठीक है, अगर लेटना है तो उसके लिए जेड की रख सकते हो। और यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं तुम्हारा एबिलिटी का, एबिलिटी में बहुत से बंदे अपने अपने हिसाब से रख रहते हैं इसको, बट मेरे हिसाब से मैंने इसमें रखा हुआ है अल्ट की, ठीक है, अल्ट की क्योंकि ये मेरे हैंड के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, मेरे थंब के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो मैंने इसको यहाँ पर इसलिए अल्ट की को रखा हुआ है। बाकी इसमें तुम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर मैंने अल्ट की रखा हुआ है। ठीक है, अब गाइस उसके बाद आते हैं स्प्रिंट वाले स्प्रिंट का ऑप्शन पे, ठीक है, यहाँ पर एक स्प्रिंट का ऑप्शन होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है यहाँ पर हमारे की मतलब कंट्रोल में, तो बहुत से लोग इसको शिफ्ट पे रखते हैं और ये डिफ़ॉल्ट भी शिफ्ट पे होता है, बट मैंने इसको रखा हुआ है एक्स पे, ठीक है, एक्स की पे मैंने इसको रखा हुआ है, जो कि मेरे भी मैंने जैसे बताया कि मेरे हैंड के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है तो इसलिए मैंने एक्स की रखी हुई है। देन यहाँ पर आता है बैग ओपन को, ठीक है, अगर तुमको अपना बैग ओपन करना है तो टैब रख लेना, और मेडिकेट करनी है तो 5 नंबर से तुम मेडिकेट कर सकते हो। अब गाइस ये जो भी मैंने कीज़ बताई है तुमको, ये मेरे हैंड के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी इसीलिए मैंने इस हिसाब से तुमको बताई हैं, और ये तुम्हारे अकॉर्डिंग भी काफ़ी बढ़िया होंगी। ठीक है, देन यहाँ पर अगर मैप ओपन करना है तो उसके लिए M की को रखना है, और उसके बाद देखो तो गाइस यही थी की मैपिंग, तो सब मैंने तुमको बता दी। अभी जो मेन कीज़ है वो है जैसे जॉयस्टिक और फायर बटन, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं तुमको बताता हूँ। तो तुमको वहीं जाना है राइट साइड पर, राइट साइड पर अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पर डी पैड आता है, ठीक है, डी पैड पे तुमको ड्रैग करना है इसको, डी पैड को जॉयस्टिक के लिए, ठीक है, डी पैड को ड्रैग करना है कुछ इस तरह,
और यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा ठीक है। इस पर राइट क्लिक करना है अभी तुमको, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाना है राइट क्लिक करके। सो गाइस हाँ, तो राइट क्लिक इस पर क्लिक करोगे तो इसके सबसे पहले आता है रेडियस, ठीक है। रेडियस तुम्हें रखनी है 9 नंबर पे, ठीक है। इसका साइज रखना है 9 नंबर पे, और उसके बाद आती है स्पीड। स्पीड रखनी है भाई 1000 पे, ठीक है। 1000 स्पीड रख लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है गाइस की जॉयस्टिक की, इसको भाई जरूर से करना है तुम्हें। इससे क्या होगा, तुम्हारी जॉयस्टिक स्टक भी नहीं होगी, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर जॉयस्टिक मूव करेगी, ठीक है। देन आता है एक्टिवेशन टाइम, इसको रखना है 200 पे, और एक्टिवेशन स्पीड इसको भी रखना है यहाँ पर 200 पे। तो ये सेटिंग का मतलब जरूर से कर लेना, जिससे तुम्हारी जॉयस्टिक की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं आएगी। तो ये तुम्हें रख लेना है, और उसके बाद गाइस आता है अगली आती है जो फायर बटन। फायर बटन के लिए तुमको जाना है एम पैन एंड शूट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। इसको ड्रैग करके कुछ इस तरह रख लेना है कहीं पर भी। अब गाइस इस पे भी तुम लोग कोई भी की रख सकते हो, यहाँ पर भी मोस्ट ऑफ द प्लेयर F1 रख दे, बट मैंने इस पे रखा हुआ है ई वाली की को, ठीक है। ई की को मैंने रखा हुआ है इस पे, तुम लोग भी अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, बट अपने हैंड के अकॉर्डिंग मैंने ई रखा हुआ है, क्योंकि इसको बार बार प्रेस करना हो, ठीक है। माउस को लॉक अनलॉक करते रहना चाहिए हमको, जिससे जॉयस्टिक की प्रॉब्लम भाई बहुत हद तक कम हो जाती है। तो माउस लॉक अनलॉक करने के लिए मैंने ई वाली की को रखा हुआ है यहाँ पर। इस पे राइट क्लिक करना है तुम्हें, तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। अभी गाइस देखो, यहाँ पर स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए जैसे माउस लॉक अनलॉक करना है, तो उसके लिए ई वाली की रखिए, और सस्पेंड के लिए यहाँ पर तुम लोग कोई जिस की से तुम लॉक अनलॉक कर रहे हो उसी को तुम्हें सस्पेंड की पे रखना है। और उसके बाद आती है यहाँ पर नीचे प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन। सो गाइस यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे जॉयस्टिक के लिए, मतलब जॉयस्टिक स्टक होती है उसके लिए। इसको तुम्हें रखना है 77.65, और वाई को रखना है उनको 50 पे। देन यहाँ पर माउस सेंसिविटी एक्स और वाई, ये तो भाई तुम्हारे हेडशॉट सेटिंग के ऊपर आ जाती है। इसके ऊपर मैंने भाई बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं, तुम लोग चैनल पे जाके देख सकते हो, या फिर मैं बेस्ट सेटिंग की वीडियोस लिंक मतलब उनके लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से तुम लोग वहाँ मतलब जाओगे तो मैं चेक कर लेना, ठीक है। अब आता है फायर विथ लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट मतलब लेफ्ट क्लिक से फायर करने के लिए तुमको यहाँ पर इसको इनेबल करना पड़ेगा। देन यहाँ पर तुम्हारा लेफ्ट क्लिक यहाँ पर बटन आ जाएगा, इस पर भी राइट क्लिक करके सेम वही सेटिंग आ जाती है। इस पर तुम लोग अपने माउस सेटिंग की इसको चेंज कर सकते हो, मैं हेडशॉट सेटिंग को। और गाइस ट्वीक सबसे बेस्ट है 16450, जो मतलब जिसमें जॉयस्टिक की प्रॉब्लम नहीं आती है, सबसे बेस्ट है वो 16450। तो वाई ट्वीक तुम यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस देखो, सारी की मैपिंग तो मैंने तुमको अभी बता दी है, और बहुत ही कम कीज में मैंने यहाँ पर तुमको सब कुछ सेट करके बता दिया है, जो भी ज़्यादा यूज़ होती है। बाकी जो भी कीज़ है वो उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। हाँ, एक और ऑप्शन है यहाँ पर, तुम लोग नीचे देख सकते हो स्क्रॉल का, इसको तुम्हें ड्रैग करके अपने मैप के कुछ इस साइड पे ले आना है। इससे क्या होगा गाइस, तुम्हारी जॉयस्टिक की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम्हारा एम भी स्टक नहीं होगा। इस पर तुम्हें एक सेटिंग करनी है, एम्पलीट्यूड का एक ऑप्शन होता है, एम्पलीट्यूड को तुम्हें रखना है भाई 0 पे रख दोगे तो गाइस ये तुम्हारी जो भी जॉयस्टिक की प्रॉब्लम है, जो भी तुम्हारा एम स्टक होता है, वो भाई बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो ये भी तुम्हें कर लेना है। देन यहाँ पर इसको सेव कर लेना तुम लोग, सेव करके ये तुम्हारी जो कीज़ है की मैपिंग है वो सब सेव हो चुकी है अभी यहाँ पर। सो गाइज यही था, देख सकते हो तुम काफ़ी बढ़िया यहाँ पर, काफ़ी इजीली मैंने तुम्हें यहाँ पर की मैपिंग सेट करके बता दी। और ये मेरी की मैपिंग है, और ये मैंने अभी जो यहाँ पर बनाई है ये वो वाली है, ठीक है। और काफ़ी कम कीज़ में हमने यहाँ पर की मैपिंग सेट कर दी अपनी, और आई होप तुम्हें यहाँ पर समझ में आ गया होगा कैसे तुम लोग यहाँ पर अपनी कीज़ को सेट कर सकते हो, कैसे अपने कस्टम एचयूडी बना सकते हो। अब इसको तुम्हें अपने ट्रेनिंग पर ट्राई कर लेना है। अब जैसे गाइस तुम लोग अपने कीज़ को सेव करोगे तो यहाँ पर इनके जो आइकन के प्रिंट है वो यहाँ पर तुमको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जो मतलब इन गेम में जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पर शो होते हैं। इनको कैसे हाइड करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें फिर से जाना है अपने कीबोर्ड वाले ऑप्शन पे, उस पे की मैपिंग पे। यहाँ पर गाइस तुम लोग देख सकते हो ऑन स्क्रीन कंट्रोल का ऑप्शन होता है, इस पर अनटिक कर देना है, ठीक है। मतलब ये टिक होगा, ऑन होगा, इसको ऑफ कर देना। ऑफ करोगे तो भाई ये सारे की मतलब कंट्रोल हाइड हो जाएंगे। नीचे एक ओपेसिटी का ऑप्शन होता है, ओपेसिटी को भी तुम लो रख सकते हो, उससे भी हाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम लोग कर सकते हो, और यही था गाइस इस वीडियो पे। वीडियो भाई बहुत लंबी हो गई है, तो भाई वीडियो को भी एंड करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर देना।